हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एंड स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक बम्पर भर्ती की नोटिफिकेशन मैं लेकर आई हूँ जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से आई है। सो ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है। एंड ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं, बिल्कुल रेगुलर बेसिस में यहाँ पर आप लोगों की जॉब लग सकती है। एंड यहाँ पर 25 वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। एंड फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 11 अप्रैल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि यहाँ पे कुछ एक पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो अभी एंड इस तरह की गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग किस तरह से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो एंड ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से फिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, सो आप लोगों को पता होगा कि पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हमें देना पड़ता है। एंड वहाँ पे पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट को बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 2 जो है ये आप लोगों का सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है एंड पेपर 1 कॉमन पेपर होता है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सेम रहता है। एंड पेपर 1 में हम लोगों को 50% क्राइटेरिया चाहिए होता है पास होने के लिए, यानी कि अगर हम लोगों को एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स हमारे होने चाहिए। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में 50% वेटेज होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हो। सो इसकी तैयारी में हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स जिसमें सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो ये 1000+ एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। एंड इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल की फी है सिर्फ 599। तो ज़्यादा देरी ना कीजिए, आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टूडेंट्स कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इधर टोटल हमारे पास 19 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, कैटेगरीज भी दी गई हैं इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर 19 है एंड डिपार्टमेंट भी 19 है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर प्रोफेसर, तो इधर आप लोगों को पीएचडी डिग्री होना कंपलसरी है, जिसके साथ ये बोला गया है कि मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आप लोगों की होनी चाहिए। एंड इसके साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, ये होना भी कंपलसरी बताया गया है, ठीक है। एंड ये बोला गया है कि यहाँ पे पीएचडी डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो तो आप लोग डेफिनेटली ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 17 डिपार्टमेंट्स हैं एंड आप लोग देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। वैसे ही अब हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एसटी के लिए एक ही सीट है इधर। सो आप लोगों की मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से। एंड इसके साथ ही अगर आप लोग मास्टर डिग्री में आप लोगों के 50 मार्क्स या फिर 55% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए। एंड यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि आप लोगों का नेट क्वालिफाइड होना चाहिए लाइफ साइंसेज में। एंड अगर आप लोगों का नेट क्वालिफाइड नहीं है, आप लोगों के पास पीएचडी डिग्री है, तो भी आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। एंड इधर किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, ठीक है। सिमिलरली केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट्स देख सकते हो, ठीक है। सो एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग अप्लाई करते हो तो आप लोगों को किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की, टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। एंड वहीं अगर हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो पीएचडी डिग्री आपकी कंपलसरी है।
अगर आप लोग अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स होने चाहिए, एंड अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है। अब देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है ये 28 फरवरी को रिलीज़ की गई थी, एंड यहाँ पे प्रोफेसर का पे स्केल बताया गया है 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 रुपीज़, एंड इधर बोला गया है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपीज़, एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे स्केल बताया गया है 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपीज़, एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई है दैट इज़ 1,500 फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी पीपल, एंड अगर आप लोग एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, लास्ट डेट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 11 अप्रैल है, सो आप लोगों ने अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर किया है तो 11 अप्रैल से पहले ये फॉर्म फिल करना है, एंड ये कंपलसरी है कि इसकी हार्ड कॉपी भी आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करोगे उसकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी है यूनिवर्सिटी के इस दिए गए एड्रेस पे, एंड ये बोला गया है कि ये हार्ड कॉपी 18 अप्रैल 2022 को 5 बजे से पहले, ठीक है, 5 PM से पहले इस एड्रेस पर ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। अगर आप लोगों का ये हार्ड कॉपी नहीं पहुंचती है तो आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग फिर से यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है कि ये बोला गया है कि फॉर्म फिल करने से पहले स्टूडेंट्स अपनी ईमेल आईडी अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि जो भी आप लोगों का इंटरव्यू कॉल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ आप लोगों को ईमेल आईडी पे ही प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसके साथ ये बोला गया है कि किसी भी तरह की अमेंडमेंट ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन अगर होती है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आप लोगों को मेल नहीं किए जाएंगे, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे डेट्स की ही बात की गई है, आप लोग इस पे मेजर फोकस रखिएगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप लोगों को पोस्ट देनी है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखना है, एंड इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 19 वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 26 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 15 वेरियस अकेडमिक डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है, आप लोगों को क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है, एंड देन इस तरह का एक पेज आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। सो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली सर्च बार में जा करके एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख सकते हो जो कि ये है, ठीक है, या फिर आप लोग स्क्रोल करोगे जैसे जैसे अपने पेज को, आप लोगों को ये दिखेगा फैकल्टी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आपको पहले क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना है, कुछ कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं, बाकी की डिटेल्स आप लोग खुद से यहाँ पे पढ़ोगे क्योंकि ये 40-50 पेजेस की नोटिफिकेशन है, सो इसको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंड अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे उसके बाद तो आप लोगों को कुछ इस तरह से फॉर्म नज़र आएगा, जहाँ पे अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग लॉगिन पे जा करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे, ठीक है, एंड लॉगिन कर दोगे। अगर आप लोगों ने अभी तक आईडी नहीं बनाई है तो न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे ईमेल के थ्रू एंड अपने पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो है उसको आप लोग अच्छे से एंटर कीजिएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से इस पे जैसे ही आप लोग ओके प्रेस करते हो देन नेक्स्ट पेज में आप लोगों को अपने सिग्नेचर, अपनी फोटोग्राफ्स, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोगों की डिग्रीज़ हैं, उन सब की स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करना होगा। सो ये सब चीज़ें आप लोग पहले से ही रेडी रख लीजिएगा, एंड अनरिजर्व्ड के अलावा अगर आप लोग किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को वो सभी डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी रखने हैं, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग NTA UGC NET पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हो सो इसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 14 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सो सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे है, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, इंग्लिश लिटरेचर,
फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड एजुकेशन. तो ये टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं जिसके फुल सिलेबस, अपडेटेड नोट्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सभी इस सिलेबस में कवर किए गए हैं. एंड इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज भी हम आपको देते हैं एट जस्ट ₹1000. तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, आप लोग इसको फटाफट से एक्सेस कर सकते हो एंड दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अगर ज़्यादा जानकारी आप इस बारे में चाहते हो. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप आप लोगों को ये नोटिफिकेशन हेल्पफुल रही होगी. अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस हो चुका है, आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.